नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीन महीनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इन तीनों महीनों में आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान समय में आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थिति क्या इशारा कर रही है। देखिए, मिथुन राशि बुध से प्रभावित वायु तत्वी राशि मानी जाती है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों के अंदर चंचलता, बुद्धिमत्ता और अपने कार्यों को प्रति काफी एकाग्रता देखने के लिए मिलती है। मिथुन राशि वाले जातक जन्मजात योजना बनाने में काफी माहिर होते हैं। अपने जीवन में लोगों को अद्भुत रूप से परखने की क्षमता इस राशि वाले जातकों में होती है। ब्रह्मांड में मिथुन राशि जिन नक्षत्रों के संयोजन से बनती है तो इसके अंदर यह देखने के लिए मिलता है। बहुमुखी प्रतिभा यानी कई विधाओं की जानकारी इनके पास होती है और अपने जीवन में चतुराई से काम करने में काफी सफल इस राशि वाले जातक होते हैं। और मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर खोजी स्वभाव और हर काम को करने के लिए जिज्ञासा ही इनको जीवन में उच्चतम सफलता भी देती है और उन्नति के राह पर भी आगे ले जाती है। लेकिन बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में मानसिक रूप से परेशानी बनी हुई है, पारिवारिक को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे जातकों के जीवन में कर्ज की स्थितियां या आर्थिक मामलों में संकट का सामना भी आपको करना पड़ रहा है। और बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक पिछले समय से वैवाहिक मामलों में भी उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में नकारात्मकताओं का सामना कर रहे हैं। उन जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है और आपको सफलता भी देने वाला है। अब हम आपको बता रहे हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर वर्तमान में ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो सूर्य और शुक्र के साथ मई की शुरुआत में आपके एकादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। साथ में राहु की पोजीशन तीनों महीनों में आपके दशम भाव पर बनी हुई रहने वाली है। केतु महाराज तीनों महीनों में आपके राशि के फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव पर रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के पश्चात वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर जाएंगे, तो ये तीनों महीनों तक यानी जुलाई के अंतिम तक ये वहीं पर रहने वाले हैं। साथ में शनि की जो कंडीशन है वो आपके राशि के नवम भाव पर प्रभावी रहने वाली है। शनिदेव आपके नवम भाव पर विराजित होकर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है।
अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको जीवन में सावधान रहना है। मिथुन राशि वाले जातकों, आपके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके द्वादश भाव पर जाकर गोचर करने वाले हैं और आपके कर्म भाव पर तीनों महीनों में राहु देव गोचर करने वाले हैं। इन तीनों महीनों की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कार्य व्यवसाय में पूर्ण समर्पण की भावना का विकास होने वाला है और कार्य व्यवसाय में आप सफलता की ओर बढ़ने में काफी समर्थ रहने वाले हैं। एकादश भाव पर राशि के स्वामी और सूर्य का बना हुआ बुधादित्य योग मई और जून के महीने में आपको सफलता देने वाला है। वहीं भाग्य भाव पर बने हुए शनि की मौजूदगी आपके जीवन में कार्यों में ठहराव और कार्य व्यवसाय में आपको मनोवांछित परिणाम भी देने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों, कर्म भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं। आप अपने कार्य व्यवसाय के सिलसिले में यदि आप विदेश में रहकर कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, उसके लिए समय शुभ रहने वाला है। इस समयावधि में आपको एक खास बात का ध्यान रखकर चलना है। अपने व्यक्तिगत जीवन में जिस भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको अनुभव को प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। अपनी लर्निंग को बढ़ाने के प्रयास आपको जरूर करना है। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। यानी यदि आप टीचेबल रहते हैं, हमेशा सीखते रहने का प्रयास करते हैं, तो संभावना आपके लिए शुभ बनने वाली है। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातक, यदि आप आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर या वर्तमान समय में ड्राइविंग लाइन में यदि आप काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके जीवन में बड़ा बदलाव देने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तीनों महीनों की समयावधि में मेजर ग्रहों की अवस्था आपके लिए काफी सुदृढ़ बनी हुई है। मिथुन राशि वाले जातकों, धन भाव पर इस समयावधि में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ रहने वाला है। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी मंगलदेव मई के महीने में आपके दशम भाव पर दिग्बली अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं। आप अपने जीवन में आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा धनार्जन करने में काफी ज्यादा सफल रहने वाले हैं। मिथुन राशि के वाले जातकों को, चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी आपके व्यय भाव पर रहेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है कि आप अपने जीवन में गलत कार्य करके या शॉर्टकट तरीके से धनार्जन करने से यदि आप बचते हैं, तो समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति भौतिक सुखों का लाभ आपको जरूर देने वाले हैं। यानी यदि आप भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं, उसके लिए ये महीने आपके जीवन में शुभ रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन तीनों महीनों की समयावधि में पारिवारिक तौर पर आपको मिला जुला परिणाम प्राप्त होने वाला है। चतुर्थ भाव से परिवार का वातावरण देखा जाता है। चतुर्थ भाव पर तीनों महीनों में देव गुरु का संबंध बनने वाला है। वहीं आपके राशि में आपका जो दशम भाव है, उस भाव पर राहु और मंगल का अंगारक योग पूरे महीने भर, पूरे मई के महीने में प्रभावी रहेगा। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि परिवार में वाणी के द्वारा आपसी मतभेद ना होने पाए। इसका यदि आप ध्यान रखते हैं, तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहेगा। 19 मई 2024 तक आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उसके पश्चात आपके लिए पारिवारिक तौर पर सकारात्मकता ज्यादा दिखाई दे रही है और जुलाई के महीने में आपके राशि के स्वामी का विशेष शुभ प्रभाव आपको सामाजिक और पारिवारिक उत्थान की प्रबल संभावना आपके जीवन में देने वाला है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके द्वादश भाव पर जाकर गोचर कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं, दर्शकों, मई के महीने में बहुत ही अच्छी पोजीशन में आपके एकादश भाव पर प्रभावी रहेंगे।
यहाँ पर आप पाएंगे कि यदि आप प्रयास करते हैं तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध काफी सुचारू रूप से चलेंगे। द्वादश भाव पर गुरु के जाने से रिश्तों में सहयोग की भावना का कम विकास आपके जीवन में होगा, लेकिन यहाँ पर भावनात्मकता की कमी आपको नहीं मिलने वाली है। यदि आप अपने जीवन में वैवाहिक मामलों में जुड़ी हुई सभी जिम्मेदारियों को भली प्रकार से निभाते हैं तो आपके जीवन में काफी सकारात्मकता बनने वाली है। साथ में मिथुन राशि वाले जातकों, चूंकि आपके लिए गुरु जो होते हैं वो आपके वैवाहिक भाव के ही स्वामी माने जाते हैं, तो गुरु का द्वादश भाव पर जाना जीवन साथी के सेहत को लेकर भी आपको उतार चढ़ाव देगा। इसलिए आपको सेहत का भी, अपने वैवाहिक स्पाउस के सेहत का भी आपको ध्यान रखकर चलना है। साथ में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अगर शिक्षा के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं और शुक्र देव अपनी उच्च राशि में प्रभावी रहेंगे। उसके पश्चात आपकी राशि के द्वादश भाव और आपके लगन भाव पर भी गोचर करने वाले हैं। इन तीनों महीनों की समयावधि में एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों के लिए प्रबल शुभ सौगाते इस समयावधि में मिल सकती है। नवम भाव पर शनिदेव प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। टेक्निकल क्षेत्रों में जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सफलता की संभावना बढ़ने वाली है। इस समयावधि में अगर आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों, 31 मई 2024 तक आपके राशि के स्वामी बुधदेव आपके एकादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं, तो मई का महीना सेहत के दृष्टिकोण से आपके जीवन में शुभ स्थिति निर्मित करने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में मेजर समस्याएं आपके जीवन में नहीं बनने वाली है। गुरु आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं तो आपके जीवन में खान पान की आदत का आपको जरूर ध्यान रखकर चलना है, अन्यथा शारीरिक थकान भी आपको मिल सकती है। भोज पदार्थों में शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करने से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान भी रखकर इस समयावधि में चलना चाहिए। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आप लोग ऐसे कार्य व्यवसाय में जीवन में संलग्न ना हो जो काफी शॉर्टकट हो, और ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव ना हो, तो आपके लिए बेहतर स्थिति बनने वाली है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में दिनचर्या में आपको काफी व्यवस्था बनाकर चलनी चाहिए। अनियमित दिनचर्या लेकर यदि आप जीवन में चलेंगे तो आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए समय प्रबंधन का आपको ध्यान रखकर जीवन में चलना होगा। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, बुधवार के दिन यदि आप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। मई के महीने में आपके दशम भाव पर राहु और मंगल के द्वारा अंगारक योग भी बन रहा है। आप सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए संभावना शुभ बनने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को माता पिता, गुरुजनों का, घर के बड़े सदस्यों का सम्मान करना चाहिए। इनके प्रति असम्मान का भाव जीवन में आपको नहीं रखकर चलना है तो भी समय आपके जीवन में श्रेष्ठता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।